हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है 007 स्नाइपर किंग्स। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं असूस टफ डैश F15। ये काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी में आता है और बहुत ही एक्सपेंसिव लैपटॉप है। हम ये देखेंगे आज कि ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। इसमें ये जो लिखा है, ये टफ डैश का एक ब्रांड लोगो है। अब ये हमारा आया लैपटॉप, ये बड़ी पैकिंग में आया है इसके पॉलीबैग के। इसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ गाइड जो कि इसमें दे रखा है, यूज़र गाइड मैनुअल दे रखे हैं कि कैसे कैसे यूज़ करना है, और बाकी एक ऐप का भी बता रखा है कि कौन कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है। अब हम आते हैं इसके चार्जिंग के अडॉप्टर पर। ये है हमारा 200 वॉट का चार्जिंग अडॉप्टर जो कि इसमें आ रहा है, और ये इसकी टोटल डिटेल दे रखी है जो कि 2.5 mm का है, 200 वॉट तक सपोर्ट करता है चार्जिंग। इसके बाद दे रखी है हमें पावर केबल, ये पावर केबल है और तो इससे कुछ है नहीं इसके अंदर, बस इसमें तो और कुछ है नहीं। ये लैपटॉप हमारा, ये बड़ी पैकिंग में आता है, ये हमने निकाला लैपटॉप, ये बड़े ही प्रीमियम लुक में आता है। यहाँ पर टफ की ब्रांड लोगो दे रखा है, यहाँ पर लोगो दे रखा है, यहाँ टफ लिखा हुआ है। अब ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड में हमें जो पहले जो टफ गेमिंग में बहुत हीटिंग इशू आ रहा था, अब इन्होंने रिजॉल्व कर दिया है क्योंकि बैक में हमारा एयर इनलेट दे दिया है। ये हमारा देखते हैं हम सिंगल हैंडेड खुलता है नहीं खुलता। ये हमने एक सिंगल हैंडेड खोला, बड़े ही प्रीमियम लुक में आता है ये। ये हमें कीबोर्ड गार्ड लगा हुआ है जो कि आपको दिख रहा है इसमें वीडियो में, और ये हमारे कीबोर्ड हैं। कीबोर्ड का ये हमारा बहुत ही कीबोर्ड फ्लेक्स भी बहुत अच्छा है, मतलब बिल्कुल है ही नहीं फ्लेक्स, काफ़ी अच्छा, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी में आता है। इसका ट्रैक पैड भी बहुत स्मूथ है। ये आता है हमारा ग्रे कलर में आता है, जिसे इक्लिप्स ग्रे कहते हैं। अब इसकी बात करते हैं हम टॉपलेट फ्लेक्स की, जो कि फ्लेक्स बिल्कुल नहीं है, बहुत ही मेटलिक लुक में है, बहुत प्रीमियम क्वालिटी है। और कीबोर्ड फ्लेक्स हम देख ही चुके हैं जो कि हमारा बहुत ज़ीरो फ्लेक्स है, इसके अंदर कोई मतलब बहुत ही प्रीमियम लुक में आता है, ये बहुत ही हाई एंडेड लैपटॉप है। अब हम बात करते हैं इस कीबोर्ड के जो बराबर में ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग दे रखी है वो है RTX की ब्रांडिंग। इसमें जो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है वो RTX 3060 लगा हुआ है, जिसकी VRAM कैपेसिटी है 6 GB तक है, एंड इंटेल का कोर i5 प्रोसेसर लगा है जो कि 11th Gen है। अब हम बात करते हैं इसके वेट की। वेट जो इसका है, जो कंपनी ने मेंशन किया हुआ है, वो है 2.5 kg, बट ये आता है 2.2 kg में, ये हमारा आता है। ये कंपनी ने पता नहीं ओवरवेट क्यों दिखा रखा है, बट इसका जो एक्चुअल वेट है 2.2 kg है। ये हमने इसे बूट किया है, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 सेकेंड में बूट हो जाता है, फुल्ली प्रॉपर बूट हो जाता है। इसकी जो एक हमारी जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड की बैकलाइट सिंगल बैकलाइट है, 8 GB इफेक्ट नहीं है इसके अंदर, ये इसका थोड़ा डिसएडवांटेज है। और हमारे पास फुल फ्लेज कीबोर्ड भी नहीं है इसमें, ये है 15.6 inches की स्क्रीन है इसकी, बट जो हमारा कीबोर्ड आता है, कीबोर्ड हमारा फुल फ्लेज स्क्रीन कीबोर्ड नहीं आता है इसमें। इसका जो ट्रैक पैड है, ट्रैक पैड काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, अगर आप देखोगे तो इसका ट्रैक पैड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, ये आपको दिख रहा होगा, ट्रैक पैड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है और बहुत क्लियर है। अब हम बात करें लैपटॉप के टॉप की। लैपटॉप के टॉप पे जो के हैं, हमें 3 लाइट्स मिलती है, एक चार्जिंग की लाइट मिलती है, और एक जो हमारा नॉर्मल प्रोसेसर होता है उसकी लाइट मिलती है, और एक हमारी हाइबरनेटिंग लाइट मिलती है, जो हाइबरनेशन पे अगर हम बंद कर देंगे लैपटॉप ब्लिंक करती है। अब हम बात करें वेंट्स की। वेंट्स इसमें 4 दे रखे हैं, 4 वेंट्स हैं, 2 पीछे की साइड दे रखे हैं, 2 इसके साइड में दे रखे हैं वेंट्स, एक वेंट इस साइड है, एक वेंट लैपटॉप की इस साइड है जो कि आपको दिख रहा है, टोटल इसमें 4 वेंट्स दे रखे हैं। अब हम बात करते हैं इसके USB
जैक्स की यूएसबी जैक हमें दे रखे हैं 3.2 एम के, दो जैक दे रखे हैं राइट हैंड साइड पे और हमें एक लॉक दे रखा है राइट हैंड साइड पे। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें HDMI पोर्ट दे रखा है, लैन पोर्ट दे रखा है, चार्जिंग का ये डॉक दे रखा है और ये हमें 3.2 एम का एक और दे रखा है एंड यूएसबी सी थंडर पोर्ट 4 दे रखा है एंड हमें ऑक्स का पोर्ट दे रखा है इसमें। अब हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। डिस्प्ले हमारी 15.6 इंचेस की डिस्प्ले है और हमारा 1080p का पैनल है इसमें और जो हमारे रिफ्रेश रेट है वो 144 हर्ट्ज़ है जो गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बना देता है इसके डिस्प्ले, और डिस्प्ले बहुत ही अच्छी है इसकी। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ, बहुत जल्दी आने वाली है, ज़्यादा लेट नहीं होगा, बहुत जल्दी आने वाली है नेक्स्ट वीडियो जिसके मैं आपको परफॉर्मेंस के बारे में बताऊँगा और इसके अंदर गेम प्ले दिखाऊँगा। सो स्टे ट्यून्ड गाइज, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक एंड शेयर तो बनता है भाई। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।